आओ बच्चों, आज हम स्वर और उनकी मात्राएं उसके बारे में जानेंगे। स्वर और उनकी मात्राएं। अ, अ की मात्रा। आ की मात्रा। ई, ई की मात्रा। ई, ई की मात्रा। उ, उ की मात्रा। ऊ, ऊ की मात्रा। र, र की मात्रा। ये की मात्रा। आई, आई की मात्रा। वो की मात्रा। आउ की मात्रा। अम की मात्रा। अह की मात्रा। हिंदी अक्षरों में 11 स्वर है और 2 अयोगवा है। इन मात्राओं में से ऋ की मात्रा को छोड़ते हैं तो सिर्फ 12 ही बच जाता है। यहाँ देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सिर्फ 12 ही मात्राएं बच जाते हैं, इसलिए हम 12 कड़ी कहते हैं। 12 अक्षरों की कड़ियों को इस्तेमाल करके लिखने वाले अक्षरों को 12 कड़ी कहते हैं। 12 कड़ी कहते हैं। ऋ की मात्रा को हम सभी अक्षरों से नहीं जुड़ सकते, इसलिए ऋ की मात्रा को हम छोड़ देते हैं। बाद में मैं आपको ऋ की मात्रा के बारे में बताती हूँ, ऋ की मात्रा हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। पहले हम 12 कड़ियों को सीखेंगे, उसमें पहले अ, आ, इ की मात्रा को जानेंगे। चलो सीखते हैं। व्यंजन से स्वर मिलकर 12 कड़ी होता है। क से अ मिलकर, अ उसकी मात्रा ये है, अ मिलकर क बन जाता है। क से आ की मात्रा मिलकर, आ की मात्रा ऐसा होता है, का बन जाता है। आज हम अ की मात्रा के बारे में जानेंगे। क से अ की मात्रा मिलकर का होता है। ऐसे ही ल लिखती हूँ, ल से आ की मात्रा ऐसे होता है, अ की मात्रा मिलकर ला हो जाता है। थ से आ की मात्रा मिलकर अ की मात्रा ऐसा होता है, ये थ है ना, थ है, थ व्यंजनाक्षर थ, उससे आ की मात्रा मिलकर था हो जाता है। थ, फिर से पढ़ती हूँ, देखो, का ला थ, का ला थ। ये देखो आ की मात्रा, ख को अ की मात्रा जुड़कर का हो गया, वैसे ही खा, गा, घ, ज्ञ, चा, चा, जा, झा, न्या, टा, ठा, डा, ढा, ना, था, था, धा, धा, ना, पा, फा, भा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, हा। अब हम आ की मात्रा से प्रारंभ होने वाले कुछ पदों को पढ़ना सीखेंगे। स्वर और उनकी मात्राएं। पहले मैं पढ़ती हूँ, बाद में मेरे साथ आप भी पढ़ो। आ की मात्रा, कान, कान, नाव, नाव, गाजर,
गाजर नाक नाक काम काम घास घास चार चार सात सात बाल बाल गाय गाय आम आम चाल चाल चाय चाय जाल जाल मानव मानव बादल बादल चावल चावल चादर चादर पालक पालक कागज कागज काजल काजल बालक बालक जानवर जानवर पाठशाला पाठशाला क से इक की मात्रा बाएं तरफ ऐसे लगाना है, ये इक की मात्रा है। इक की मात्रा जुड़कर की बनता है, ऐसे ही ग से इक की मात्रा जुड़कर ग इक की मात्रा जुड़कर गी होता है, ऐसे ही र को इ की मात्रा मिलकर र इ की मात्रा मिलकर रि होता है। इसे पढ़ती हूँ, देखो कि गी रि इ इ की मात्रा कि खि गी घी नी चि जी जी नी टी ठी डी ढी नी ती थी दी धी नी पी फी बी भी मी ई री ली वी शी सी ही। इक की मात्रा किताब किताब किसान किसान गिटार गिटार हिरन हिरन दिन दिन चित्र चित्र शिला शिला मित्र मित्र दिल दिल तिल तिल निधि निधि सिर सिर पिता पिता किला किला सितार सितार विमान विमान विज्ञान विज्ञान गिलास गिलास टिकट टिकट लिफाफा लिफाफा पिलाना पिलाना खिलाना खिलाना चिमटा चिमटा जिगर जिगर। आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए। इससे मेरे वीडियोस आपको मिलेंगे। धन्यवाद।